देश के चार हिंदी भाषी राज्यों की हाई कोर्ट में हिंदी भाषा के प्रयोग की अनुमति मिलने पर हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में हिंदी कामकाज के लिए मांग की है, जिसका फरीदाबाद कोर्ट के वकीलों ने भी स्वागत किया है और अपील की है कि हरियाणा की सभी कोर्टों में भी हिंदी में कामकाज होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण अंचल की है, कोर्ट के अंग्रेजी में मिलने वाले नोटिस व फैसलों को समझ नहीं पाती है। देश के चार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में न्यायिक कार्यवाही राज्य भाषा हिंदी में किए जाने की अनुमति के बाद अब बेहद जरूरी है कि हरियाणा में इस बात को लेकर सरकार हाई कोर्ट में हिंदी कामकाज को मंजूरी दिलाए, जिससे अंग्रेजी भाषा के मुकाबले में मातृभाषा को उचित सम्मान मिल सके। जिसको लेकर न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट LN पराशर ने हरियाणा सरकार की उस पहल का स्वागत किया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि हरियाणा हाई कोर्ट में भी हिंदी के कामकाज को मंजूरी मिलनी चाहिए। हरियाणा हाई कोर्ट सहित पूरे प्रदेश की भाषा अदालतों में हिंदी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और देश के लोगों को पूरा अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा में न्याय मांग सके, अपनी बात कह सके, कोर्ट में वकील एवं जजों की बात समझ सकें, तभी देश की न्यायिक व्यवस्था में बदलाव आ पाएगा और लोगों को समय से न्याय मिल सकेगा। एडवोकेट LN पराशर ने कहा कि देश की अदालतों में अधिकतर काम अब भी अंग्रेजी में होता है। किसी बहस वगैरह के समय वकील जज के सामने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और उनका दूसरी पार्टी का क्लाइंट वकील की बात समझ नहीं पाता कि वकील साहब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अंग्रेजी का उतना ज्ञान नहीं होता। वहीं फरीदाबाद कोर्ट में कई वर्षों से वकालत कर रहे युवा और वरिष्ठ वकीलों की माने तो देश की उन्नति उसकी मातृभाषा में ही हो सकती है, इसीलिए वे चाहते हैं कि सभी कोर्ट में कागजी कार्यवाही हिंदी भाषा में ही की जाए। इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें अदालत से आदेश और नोटिस अंग्रेजी में मिलते हैं मगर वह समझ नहीं पाते। अगर नोटिस हिंदी में मिलेंगे तो वह अदालत की बात समझ पाएंगे। हाँ, चार प्रदेशों में हो रहा, NP, राजस्थान, बिहार, UP। हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी हिंदी भाषा का उपयोग हो। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट हैं जितनी हरियाणा की, इनमें इससे बहुत फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है इससे कि भी जो लिटिगेंट्स हैं मोस्टली देहाती हैं, उनको अगर आर्गूमेंट करें तो उनकी समझ में आया हम क्या पक्ष रखते हैं, क्या पक्ष है। दूसरा, ये राष्ट्रीय भाषा है हमारी, राष्ट्रीय भाषा में ही कार्य होना चाहिए। नंबर दो, अगर आप विदेशों में जाओगे तो ऐसे ऐसे देश हैं जैसे चाइना, वहाँ आप अगर कोई कंपनी भी लगाओगे तो आप चीनी भाषा में बात करनी होगी। तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हिंदी में कार्य होना चाहिए, खासतौर पर प्रदेश वाइज। जैसे हमारे यहाँ हिंदी है तो हिंदी में होना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। तो मेरी प्राथमिकता है कि राष्ट्र की उन्नति राष्ट्र की भाषा में होगी और हिंदी की प्राथमिकता देनी चाहिए। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम हो तो वहाँ अंग्रेजी की हो, लेकिन राष्ट्र का उत्थान राष्ट्र के भाषा में वो संभव है। कई बार को अदालत के आदेश को जब पुलिस में आप आम जनता में जाती, आम जनता उस ऑर्डर को समझ नहीं पाती, कई कठिनाइयाँ होती है, पुलिस को कठिनाइयाँ होती है, ऑर्डर का इम्प्लीमेंट कराने में भी कई परेशानियाँ होती है, इसलिए हिंदी होना ज़रूरी है। इसमें ये है, आम जनता का हम जरूर कह सकते हैं, आम जनता कम से कम 70% अभी अंग्रेजी भाषा को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाती है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर हमारी कोर्टों में आम मातृभाषा का प्रयोग हिंदी में, अगर हमारी हिंदी की मातृभाषा जो है उसका प्रयोग होगा तो आम जनता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनका कम हो जाएगा, वो अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मातृभाषा का प्रयोग अगर जो हमारी रूटीन की कार्रवाई में होता है, कोर्ट की रूटीन की कार्रवाई में होता है, तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। वो आज की डेट में कोई छोटी सी चीज़ भी, कोई लीगल नोटिस जैसे उनके पास जाता है तो उसे पढ़वाने के लिए भी वकीलों के पास आते हैं। अगर जो इस तरह का बदलाव होता है तो समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, उनको वकीलों के पास नहीं भागना दौड़ना पड़ेगा, वो अपने आप उस चीज़ को समझ पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे।